ओके स्टूडेंट्स अगेन आई एम हेयर टू डिस्कस द रेस्ट पार्ट ऑफ द न्यूक्लिया आई होप यू आर वेल यू आर प्रैक्टिसिंग फॉर योर कमिंग टम टू एग्जाम्स ठीक है फील फ्री टू आस्क थ्रू लिंक एंड थ्रू मैसेजिंग ठीक है टाइम वेस्ट नहीं करते लेट्स को थ्रू विद्यूक्लियर फ्यूजन न्यूक्लियर फ्यूजन हमने डिस्कस किया था सॉरी फ्यूजन uh, और फ्यूजन अच्छा मैंने पहले तो आई थिंक दोनों के बारे में डिस्कस नहीं किया था तो हम लोगों ने बस सिंपल पॉइंट डिस्कस किया था कि सर अगर हम यहां पर अच्छा रिएक्शंस डिस्कस किए थे हमने राइट सो डिस्कस अबाउट द रिएक्शंस थे रिएक्शंस बताया था मैंने एनर्जी का पार्ट बता दिया था दैट्स ओके राइट चलिए तो ये भी हो चुका है न्यूक्लियर फ्यूजन फ्यूजन का मतलब मैंने आपको बताया होगा सर अगर पर्टिकुलर यहां पर चीजें ब्रेक हो जाती हैं अगर ब्रेक हो जाती हैं मतलब एक हैवी न्यूक्लियस राइट गाइज अगर मेरे पास कोई भी एक हैवी न्यूक्लियस है ठीक अगर हैवी न्यूक्लियस किस में टूट जाएगा स्मॉल में स्मॉल न्यूक्लियस में टूट जाएगा दो हजार दो से ज्यादा कितने भी न्यूक्लियस में न्यूक्लियसर ब्रेक हो सकता है जो नया न्यूक्लियस होगा वो उससे हल्का होगा वो उससे लाइट होगा उसकी प्रॉपर्टीज थोड़ी अलग होंगी तो इसको बोलते देते हैं हम लोग न्यूक्लियर जैसे कि हम लोग जानते हैं कि अमेरिका ने जब जापान के हिरोशिमा पर ठीक है जब न्यूक्लियर अटैक किया था तो वहां पर यही सब रिएक्शन हुए थे जो आज भी वहां पर तो काफी टाइम जापान ने काफी टेक्नोलॉजी के ऊपर वर्क किया और वो इतना आगे बढ़ चुका है तो शायद अगर ऐसा ना होता तो शायद जापान इतना तरक्की नहीं करता राइट right? इतना डेवलपमेंट नहीं कर पाता तो चलिए बट इट वॉज रॉन्ग चलो बट हमें ये सब चीजें डिस्कस नहीं करनी तो मैंने बस ये बताया कि वहां पर जो बॉम्ब गिराया गया था वो न्यूक्लियर वो यही हुई थी राइट यू मस्ट है स्प्लिटिंग मतलब ब्रेक हो जाना गाइज स्प्लिट का मतलब यही है ब्रेक हो जाना ऑफ हैवी हैवी न्यूक्लियस का मतलब जैसे यूरेनियम ले लो यूरेनियम राइट यूरेनियम 92 235 ियम दो सौ अड़तीस राइट टू थर्टी एट लाइक डैट तो ये इसके आइसोटोप से सो हेयर वट वी हैव द स्प्रिटिंग ऑफ द न्यूक्लियस इन टू द टू और मोर फ्रैग मैंने कहा ना भाई दो या दो से ज्यादा ऑफ कंपेरेबल मास मतलब दोनों जो बनेंगे नए वाले जो मेरे पास पर्टिकुलर एलिमेंट्स बनेंगे उनके मासस में कुछ ज्यादा फर्क नहीं होने वाला मास विल बी क्वाइट सेम ऑन एन एवरेज राइट कुछ खास वेरिएशन ही होगा कि एक का मास मेरे पास टेन है तो दूसरे का मास टेन थाउजेंड हो गया टू थाउजेंड हो गया टू हंड्रेड हो गया नहीं, नहीं होता right? वेरियशन होगा जैसे बैरम और क्रिप्टन बनता है ड्यूरिंग द न्यूक्लियर फिजन ठीक है वैरियम फिफ्टी सिक्स और क्रिप्टन बनता है तो वहां पर उनके एटोमिक नंबर में ज्यादा फर्क नहीं होता उसी तरीके से यहां पर गाइज सो विद एंड ए रिलीज ऑफ एनर्जी यही एनर्जी जो है इनोमस रिलीज ऑफ एनर्जी इसी ने ही जापान की हिरोशिमा को बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दिया था राइट इसी ने ही उसको डिस्ट्रॉय किया था इतना ज्यादा एनर्जी रिलीज हुआ था इतना एनर्जी रिलीज हुआ था और उसके रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की जो इफेक्ट्स हैं आज भी देखे जाते हैं राइट टू इयर्स बिफोर अभी चर्नोबिल का एग्जाम्पल जैसा आया था फिजिक्स के क्वेश्चन में राइट बिफोर दिस कोरोना तो वहां पर भी इसी का इफेक्ट है राइट इस कॉल द न्यूक्लियर फिजन फॉर एग्जाम्पल वन स्लो न्यूट्रॉन चलो स्लो मूविंग इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन लेते हैं ये right, को मैंने किसके ऊपर पर यूरेनियम के ऊपर यूरेनियम है काफी कॉस्टली है ऑस्ट्रिया में सबसे ज्यादा मिलता है राइट वी नो दैट तो यहां पर 235 यूरेनियम से क्या बनता बैरियम मैंने भी कहा क्रिप्टन कंपेरेबल एलिमेंट्स बनते हैं

राइट right? तो अगर मैं इसका कराऊंगा सो आई विल गेट तो मुझे यहां पर क्या दिखेगा ये बेटा तीन इलेक्ट्रॉन जनरेट कर देगा ये तीन इलेक्ट्रॉन जनरेट कर देगा ये न्यूट्रॉन ये भी न्यूट्रॉन और ये भी न्यूट्रॉन तीन न्यूट्रॉन इसने जनरेट कर दिए तो मुझे कुल मिलाकर तीन न्यूट्रॉन मिले अगर ये न्यूक्लियर फिजन एक बार होता है तो एक बार होता है तो और मेरे पास यहां पर दो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी रिलीज होती है 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब समझेगा आप लोग 200 राइट right? 200 मेगा 10 की पावर सिक्स इलेक्ट्रॉन वोल्ट हाउ मच इलेक्ट्रॉन वोल्ट इट इज बेसिकली वर्ड वी हैव यूज्ड इट इज बिकॉज ऑफ द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन तो बच्चा ये कितना होता है ये होता है वन पॉइंट सिक्स की पावर माइनस ऑफ नाइनटीन खुला राइट right? तो अगर मैं इसको चेक करूंगा तो इसको अगर सॉल्व करूंगा तो ये 200 मेगा इलेक्ट्रॉन बोल्ट की जो एनर्जी है मेरे पास 200 मेगा इलेक्ट्रॉन बोल्ट की जो एनर्जी है अगर मैं सोल्व करूंगा थ्री टू राइट दो जीरो है यूज कर लेता हूं तो थ्री पॉइंट टू इन की पावर सिक्स ये हो गया राइट दो जीरो जी आ गए प्लस टू और माइनस का नाइनटीन ये हो गया तो थ्री पॉइंट टू इन टेन की पावर हाउ मच तो नाइनटीन और ये एट तो माइनस के इलेवन ऑफ राइट right? तो ये एनर्जी काफी कम है लेकिन है एक सिंपल अगर एक स्टेप की रिएक्शन होती है अगर एक लेवल में रिएक्शन होती है तो ऐसे हजारों लाखों करोड़ों एटम्स होंगे तो मल्टीप्लाई कर लीजिए कितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी राइट right? कितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी सो इन न्यूक्लियर फिजन द सम ऑफ मासज बिफोर रिएक्शन द सम ऑफ मासस बिफोर रिएक्शन इज ग्रेटर देन द सम ऑफ मासस राइट आफ्टर द रिएक्शन उन्होंने क्या कहा कि भाई इनका अगर मैं मास निकालूंगा राइट तो इनका जो इनिशियल मास होगा वो ज्यादा होगा मान लीजिए मास कितना है रिएक्शन से पहले जो रिएक्टिव हैं मतलब ये आपस में इनका अगर ओवरऑल मास निकाल दू तो ये मास मेरे पास मान लीजिए कितना आ गया हंड्रेड आ गया मैंने लेट कर लिया राइट मास निकालना मैं अच्छे से पता है जैसे मैंने मास डिफेक्ट में अभी आ, इसके जो फर्स्ट पार्ट है न्यूक्लियर का उसमें कैलकुलेट किया है बेटा तो यहां पर तो रिएक्शन से पहले जो मास होता है वो हमेशा ज्यादा होता है और रिएक्शन के बाद जो मास होता है वो कम होता है कहां चले आता है कुछ मास क्योंकि तो मैंने कहा था आपके आइंस्टीन सर ने हमसे कहा था कि जो मास है वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें एनर्जी में और ये एनर्जी फ्री में नहीं आ रही है वहां से वो हीट प्रोड्यूस हो रही है वहां से वो हीट प्रोड्यूस हो रही है जो हमने अभी यहां पर पर्टिकुलर पहले वाले इक्वेशन में मैंशन किया था यू कैन गेट इट ओवर राइट तो जो भी एलिमेंट है जो रिएक्ट कर रहे हैं आपस में तो यहां से एनर्जी ये आती है राइट गाइस सो हेयर तो द डिफरेंस इन द मास बिंग रिलीज इन द फॉर्म ऑफ दिजन एनर्जी सो ये वाली जो एनर्जी होगी मेरे पास राइट right? कौन सी एनर्जी ये जो दो सौ मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट मैन एनर्जी लिखी है राइट right? जो 200 सौ मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी यहां पर लिखी है इसको मैं बोलूंगा कौन सी एनर्जी फिजन कौन सी दिस वन ये मैंने सोल्व करके जो आपको बताई है ये है मेरे पास फिजन एनर्जी राइट आई यूज टू कॉल इट द फिजन एनर्जी तो फिजन एनर्जी कैसे निकलेगी अरे भाई जो रिएक्टिव्स हैं और जो प्रोडक्ट्स हैं जो रिएक्टिव्स हैं और जो प्रोडक्ट्स हैं उनके अगर मास का वेरिएशन निकालेंगे और आइंस्टाइन सर की इक्वेशन की हेल्प से आप उसको एनर्जी में कन्वर्ट कीजिए मेगा इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन बोल्ट एटोमिक मास यूनिट जस्ट लाइक उस सब में कन्वर्ट कीजिए यू कैन फाइंड आउट राइट गाइज आप उसको आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं तो न्यूक्लियर रिएक्शन में सिंपल ये है तो आप इसको अगर एक जैसे एग्जाम में आता है तो आपको ये इक्वेशन लिखना बहुत जरूरी है बहुत ही फेमस इक्वेशन है है जिसमें यूरेनियम यूज होता है, तो बैरम और क्रिप्टन बनता है तीन तीन इलेक्ट्रॉन्स न्यूट्रॉन पर प्रोड्यूस होते हैं अब ये जो तीन न्यूट्रॉन है इसका एक जो पर्टिकुलर न्यूट्रॉन होगा फिर से वापस इसको हिट करेगा और हिट करेगा फिर से तीन पर्टिकुलर न्यूट्रॉन प्रोड्यूस करेगा तो यहां पर जो मल्टीपल होता है ये तीन न्यूट्रॉन जो होते हैं ये फिर से क्या बनाएंगे तीन फिर से न्यूट्रॉन बनाएंगे और ये तीन फिर से तीन न्यूट्रॉन बनाएंगे और इस तरीके से यहां पर राइट इस तरीके से यहां पर क्या होता है मल्टीपल फॉर्म में न्यूट्रॉन बनते चले जाते हैं और ये रिएक्शन बड़ी फास्ट होती चली जाती है और जो पर्टिकुलर एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो बढ़ती चली जाती है बहुत ही तेजी से एंड वेरी फास्ट राइट तो जिस वजह से वहां पर इतनी ट्रेजेडी हुई थी नाउ लेट्स गो थ्रू दी नेक्स्ट वन राइट चलिए मैंने यहां पर एक इमेज फ्रेम किया है राइट right? एक सिंपल सा एक फिगर मैंने डाला है टू मेक यू अंडरस्टैंड आई होप यू वुड लाइक इट कलरफुल है थोड़ा तो समझिए न्यूक्लियर फिजन बहुत बढ़िया फिजन में मैंने ये कहा जब हैवी एलिमेंट सर दो या दो दो से ज्यादा टू और मोर देन टू एलिमेंट्स में टूट जाता है ये थोड़े से लाइट एलिमेंट होते हैं लाइट एलिमेंट होते हैं जिनका एटोमिक मासिक नंबर आपस में कंपेरेबल होता है और एनर्जी रिलीज होती है तो यहां पर क्या होगा ये सारे प्रोसेस होने से पहले मास होगा ज्यादा बाद में मास हो जाए कम क्योंकि क्योंकि जो मास डिफेक्ट आएगा यानी जो इनिशियल मास होगा बिफोर जो रिएक्टर्स है और जो प्रोडक्ट्स है उनका अगर मैं डिफरेंस लूंगा तो ये जो डिफरेंस आएगा तो मैं उसका इक्वल टू डेल एम सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगा तो मास डिफेक्ट जो भी आएगा वो एनर्जी क्या कहलाती है फिजन एनर्जी फिजन एनर्जी मैं उसको बोल देता हूं कोई नई बात नहीं अभी हमने पहली स्लाइड में डिस्कस कर लिया बहुत बढ़िया चलिए आगे देखते हैं क्या हुआ ये मेरे पास फिजनेबल न्यूक्लियर ने बल क्या बेवकूफ मत बनाइए सर ये मेरा यूरेनियम ही तो है यानी जो फिजन कर सकता है ये थोड़ी ना लकड़ी पत्थर पानी किसी पे भी आप लोग जो है न्यूट्रॉन उठा उठा के फेंक दोगे और वो रिएक्शन कर देगा नो ऐसे एलिमेंट रेडियो एलिमेंट्स के साथ मोस्टली ऐसा किया जाता है वो बहुत ही फास्ट रिएक्शन कर देते हैं और वो ब्रेक होने लगते हैं तो इस वजह से हम लोग यहाँ पर तिजनेबल यहाँ पर पर्टिकुलर जो है न्यूक्लियस लिया गया और ये मेरे पास क्या है यूरेनियम राइट गाइस तो यहां पर समझेगा तो यहां पर मैंने इंसिडेंट करा ये क्या है न्यूट्रॉन है जीरो एन वन एक सिंगल इलेक्ट्रॉन कहा तो ये तो मेरे पास क्या पार्टिकल हो गया और ये क्या कहलाएगा एलिमेंट राइट इसको एलिमेंट बोलूंगा ये इसको ऊपर बोमबाट करता है बहुत बढ़िया जैसे ही रिएक्शन हुई ये इससे आकर मिल गया राइट right? जैसे ही ये बेटा इससे आकर मिल गया तो हम मिला देते हैं इसको चलो ये मैंने मिला दिया ये मैंने मिला दिया देखो मिला दिया रिएक्शन हो गई प्लस तो ये देखो ये यूरेनियम स्प्लिट स्प्लिट हुआ और क्या बना यहां पर स्प्लिटिंग ऑफ न्यूक्लियस ये न्यूक्लियस स्प्लिट होता चला गया देखो यहां पर कहीं पे ब्लू है कहीं रेड है कहीं पे वॉलेट है डिफरेंट कलर्स के हैं राइट लेकिन सेम है दो तीन ही आपको मिल रहे हैं तो तीन की स्प्लिटिंग हुई है एक रेड है तो एक हुआ एक रेड है तो एक एलिमेंट बना जैसे मैंने वहां पर लिखा लाइट एलिमेंट एक ब्लू है तो दूसरे वाला क्या बन गया एक ब्लू तीसरे वाला क्या बना वायलेट तो तीन तीन बन गए हो हो सकता है तीन से ज्यादा भी बने राइट right? मुझे फर्क नहीं पड़ता तो मैंने बस यहां पर शो कर दिए राइट right? तो यहां पर जब मैंने इसका बोमबार किया तो यहां पर क्या हुआ बेटा समझिएगा सो वॉट आई गॉट इट तो ये बढ़ने लगा राइट right? ये देखिए ये इस तरीके से था अभी जो मेरे पास सिंपल आपका क्या ये जो एलिमेंट था जो यूरेनियम था इस तरीके से एक्सपैंड होने लगा तो जब यह एक्सपैंड एलिमेंट्स में भी टूटेगा ये अब रिएक्शन हुई यहां पर बहुत ज्यादा एनर्जी बनी और ये बन गया मेरे पास दो छोटे छोटे में टूट गया देखिए रिएक्शन हुई राइट right. तो ये भी एक्सपेंड हो रहा है, रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है और एक टाइम ऐसा आया ये ब्रेक हो गया राइट right. एक टाइम ऐसा आया इसकी एनर्जी इतनी ज्यादा बढ़ गई कि ये ब्रेक हो गया यानी जो बहुत ही हैवी था उसके ऊपर न्यूट्रॉन के लगातार बुम्बार्डमेंट की वजह से तो बचे क्या हो गए यहां पर इसका एक एटम इसके न्यू एक न्यूट्रॉन से ये दो में टूट गया तो एक मेरे पास क्या बन रहा होगा बैरियम एक मेरे पास क्या बन रहा होगा यहां पर मैं मेंशन कर देता हूं बैरियम बन रहा होगा राइट और एक बन रहा होगा क्रिप्टन राइट राइट right? तो यहां पर बैरियम फिफ्टी सिक्स और क्रिप्टन थर्टी सिक्स चलिए ये बन गया है तो बैरियम बन गया अब यहां पर क्या हुआ आगे देखेगा तो ये बन गए और क्या बने तीन पर्टिकुलर ये यह देखो ये सॉरी तीन न्यूट्रॉन जीरो एन वन एक जीरो एन वन दूसरा और जीरो एन वन तीसरा तीन न्यूट्रॉन बने एज अ प्रोडक्ट और ये दो बने एज अ प्रोडक्ट एलिमेंट राइट एज अ प्रोडक्टिव एलिमेंट ये भी बने और प्रोडक्टिव पर्टिकुलर जो पार्टिकल्स हैं वो ये भी बने हैं अब जो फ्यूजन प्रोडक्ट हुआ है अब समझेगा, तो यहां पर इसको चेन रिएक्शन कहा गया क्यों कहा इसको चेन रिएक्शन जरा समझिएगा इसको चेन रिएक्शन क्यों कहा गया जब मैंने इसको देखा कि भाई यहां से तीन न्यूट्रॉन बने हैं तो जो मेरे पास पर्टिकुलर न्यूक्लियस है वो खत्म थोड़ी ना हो गया है कौन सा न्यूक्लियस जो न्यूक्लियस है मेरे पास जो यूरेनियम है खत्म थोड़ी ना हो गया स्टिल इट इज देर स्टिल इट इज देयर तो ये न्यूट्रॉन है ये वापस टकराएंगे और इसको फिर से ब्रेक करेंगे तो फिर से यही प्रोसेस होगा ये फिर से दो में ब्रेक हो जाएगा और दो के ब्रेक होने पर तीन न्यूट्रॉन प्रोड्यूस करेगा न्यूट्रॉन प्रोड्यूस करेगा ये फिर से एक न्यूट्रॉन फिर से तीन बनाएगा ये फिर से तीन बनाएगा और ये प्रोसेस चलता जाएगा तो वी यूज टू कॉल इट द चेन रिएक्शन इसको बोला जाता है चेन रिएक्शन तो इसका मतलब क्या है अगर एक बार रिएक्शन होती है राइट बेटा अगर एक लेवल अगर मैं इसको स्टेज वाइज डिवाइड करता हूं ठीक है अगर फर्स्ट स्टेज सेकंड स्टेज, स्टेज थर्ड स्टेज अगर बना देता हूं इस चेन रिएक्शन में तो ये मान लीजिए मेरे पास फर्स्ट स्टेज सेकंड स्टेज थर्ड स्टेज फोर्थ स्टेज फिफ्थ स्टेज है तो पहले स्टेज में कितने बनते हैं तीन न्यूट्रॉन ये तीन क्या करेंगे फिर से अपने कितने बनाएंगे तीन बनाएंगे राइट तो तीन में से एक जो होगा राइट तो मैं इसको थोड़ा सा डिफरेंट में दिखाता हूं आपको 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 जिससे जिससे याद याद रहे रहे ठीक है आपको याद रहे, जरा समझिएगा रेड को ले लेते हैं तो एक न्यूट्रॉन बना एक न्यूट्रॉन बना एक न्यूट्रॉन बना तीन बने अब इसका जो एक न्यूट्रॉन होगा सेकेंड स्टेज में अपने तीन न्यूट्रॉन बनाएगा ये अपने तीन न्यूट्रॉन बनाएगा और ये अपने तीन न्यूट्रॉन बनाएगा अब मिल गए मुझे तो मेरे पास जो फर्स्ट स्टेज थी उसमें क्या बने केवल तीन न्यूट्रॉन सेकंड स्टेज में कितने बने सर नाइन न्यूट्रॉन यहां पर बने थ्री न्यूट्रॉन यहां पर बने नाइन न्यूट्रॉन और की अगर बात करूंगा, तो बेटा तीन ये फिर से तीन ये फिर से तीन और ये भी इसी तरीके से बनाएगा तो इसके एक तो नाइन यो नाइन अब कितने बनेंगे यहां पर एटीन राइट right. तो सिंपल वे में मैंने यहां पर दिखाया आपको तो यहां पर जो तीन थे उन्होंने अपने नाइन बनाए राइट right? इसके भी ऐसे होंगे और इसके भी ऐसे होंगे तो यहां पर 18, नहीं एक और ऐड कर दो ट्वेंटी सेवन तो यानी मल्टीपल होते चले जाते हैं राइट तो, right? तो फर्स्ट स्टेज में क्या बनेंगे थ्री दूसरे स्टेज में थ्री का टू थ्री का थ्री थ्री का फोर तो यहां पर जो थ्री की पावर एन टाइम्स होगा तो यहां पर जो एन होगा वो क्या कहलाएगी स्टेज फर्स्ट लेवल स्टेज सेकेंड लेवल स्टेज फोर्थ लेवल स्टेज एंड ऑल दैट राइट तो यहाँ पर ये पूरा मेरे पास न्यूक्लियर फिजन है जो मैंने कोशिश की है दैट यू गेट अंडरस्टैंड राइट तो पूरा कोशिश किया गया कि आपको ये पूरा दिमाग में सेट हो जाए और ये एनर्जी है अगर मैं ये वाली यही क्वेश्चन लेता हूँ बैरम क्रिप्टन वाली तो बच्चे ये 200 मेगा इलेक्ट्रॉन बोल्ट की एनर्जी है ये 200 मेगा इलेक्ट्रॉन बोल्ट की एनर्जी है याद रखेंगे आप लोग इट इज वेरी वेरी इजी नाउ लेट्स गो अड रिमार्क रिमार्क क्या थोड़ा है थोड़ा कंक्लूजन है समझेगा कुछ नई बात नहीं है इसमें इट मे बी पॉइंटेड आउट अब ये हम कह सकते हैं बेटा नॉट नेसेसरी दैट इन ईच फिजन ऑफ द यूरेनियम यूरेनियम के हर एक बार जो फिजन हो रहा है बेटा टू फ्रेग फ्रेगमेंट यानी दो जो प्रोडक्ट बन रहे हैं बैरियम और क्रिप्टन राइट बैरियम फिफ्टी क्रिप्टन थर्टी सिक्स आर फॉर्म्ड बट दे मे बी

तो यहाँ पे 1x में इन्होंने कहा एक ऐसा बनेगा जिसका 40% होगा और दूसरा एक ऐसा बनेगा जो लगभग 60% होगा राइट गाइस एक 40% होगा दूसरा 60% होगा ऑफ द ओरिजिनल न्यूक्लियस बहुत बढ़िया विद द एमिशन ऑफ टू और थ्री न्यूट्रॉन्स पर फ्यूजन यानी ये पर फ्यूजन का मतलब क्या है पर फ्यूजन एक्चुअली बेसिकली दीस आर स्टेजेस राइट दीस आर स्टेजेस गाइस जैसे मैंने 3 की पावर 1 का फार्मूला होता है आपको द फ्यूजन ऑफ यूरेनियम 238 टेक्स प्लेस बाय

न्यूक्लियर तो फ्यूजन यहां पर दो छोटे छोटे जुड़कर अब बड़े बनाएंगे दो छोटे छोटे जुड़कर अब बड़ा वाला बनाएंगे तो क्या होगा द ऑफ कॉम्बिनेशन टू और मोर लाइट न्यूक्लियाई टू और मोर लाइट न्यूक्लियाई मतलब जो दो, दो होंगे दो या दो से ज्यादा जो हल्के होंगे राइट द लाइट वेटेड फॉर्म न्यूक्लियस वहां पर क्या हो रहा था बड़े वाला छोटे में टूट रहा था यहां है, पर क्या होंगे कि भैया ये जो छोटे छोटे होंगे वो जुड़कर क्या बनाएंगे बड़े वाला

जब आपस में जो जुड़ गए तो ट्वेंटी इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी भी रिलीज होगी दस तो द फ्यूजन प्रोसेस अकर्स, अकर्स एट एक एन एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर पॉइंट टू तो बी नोटेड ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भाई जो फ्यूजन होता है जो मतलब जो प्रोसेस जिसमें जोड़ा जाता है राइट जिसके अंदर जोड़ा जाता है तो यहां पे जो फ्यूजन वाला प्रोसेस होता है इसको एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है एंड हाई प्रेशर

राइट हाई टेम्परेचर हाई टेम्परेचर कितना सन के आसपास ले लो टेन के और क्या होगा हाई प्रेशर प्रेशर भी हाई होना चाहिए तो हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर हम लोग कंसिडर करते हैं तब जाकर न्यूक्लियर फ्यूजन मतलब जुड़ने वाली जुड़ने वाली रिएक्शंस होती हैं राइट right? तो यहाँ पर यूरेनियम वगैरह से ऐसा कुछ लेने देने नहीं है वो तो फ्यूजन वाला केस था राइट right? फ्यूजन वाला केस था तो फ्यूजन में ऐसा नहीं होगा राइट right? सो so, ये हो चुका है नाउ लेट्स गो थ्रू नेक्स्ट वन इसमें भी मैंने एक फिगर मेंशन किया है राइट right? जिससे आपको समझ सके क्योंकि इमेज बेस्ड तरीके से अच्छी तरह से समझ में आ जाता है आई थिंक आपको सबको सब क्लियर दिख रहा होगा यहाँ मैंने एक्चुअली ड्यूटेरियम लिखा हुआ है ड्यूटेरियम है और ट्राइटेरियम है राइट right? ड्यूटेरियम ये मेरे पास क्या होगा वन एच टू और ये हो जाएगा वन एच थ्री

बहुत ज्यादा अरेंज किया गया होगा अब ऐसा तो है नहीं मैं इनको एक डब्बे में डाल दूंगा और ये टेम्परेचर अरेंज कर लूंगा तो ये पूरा एक चैम्बर होता है जिसके अंदर इतना हाई टेम्परेचर मैनेज किया जाता है तब जाकर वो किया जाता है इवन जैसे मैं आपको बता सकता हूं कि यहां पर जो होती हैं पहले कॉन्क्रीट की वॉल्स होती हैं आयरन की वॉल्स होती हैं तब जाके इसकी मल्टी लेयर्स है ना वो चैंबर होता है तब जाकर रिएक्शन होती है इतना टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है और गलती से कुछ प्रॉब्लम भी हो जाए जिससे वो आसपास जो लोग काम कर रहे हैं इस तरह की चैम्बर्स में उन्हें कुछ दिक्कत ना हो राइट तो बहुत ही ये हाईली प्रोटेक्टिव वे में किया जाता है चूंकि अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो बहुत ही है ना प्रॉब्लम हो सकती है यहां पर ड्यूटीरियम और ट्राइटेरियम मैंने लिया बेटा तो यहां पर मैंने मेंशन किया हुआ है आप लोग देख सकते हैं तो फिर आई शो यू या सो देखिएगा जरा यहां पर मैंने आपसे ये कहा कि जो जो टेम्परेचर आप लोग लिखेंगे जो टेम्परेचर होगा वो भी बहुत ज्यादा होना चाहिए ठीक और जो मेरे पास प्रेशर है वो भी बहुत हाई होना चाहिए तो मैंने टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा लिया यू नो दैट टेन की पावर सेवन ऑफ कैलविन के आसपास और मैंने जो प्रेशर लिया वो भी बहुत ज्यादा है एक चैम्बर में किया जाएगा ऐसा काम ये एक चैम्बर अरेंज किया जाएगा ठीक है बेटा ये चैम्बर में किया जाएगा जब ये रिएक्शन होगी हाइड्रोजन एंड ऑल दैट तो तब जाकर राइट तब जाकर ये फ्यूजन होगा मतलब ये आपस में कोलैप्स होंगे राइट तो ये आपस में जुड़ गए तो आप लोग देख सकते हैं आसानी से मुझे समझ में आ रहा है देखो एक दो दो तो मेरे पास ये वन एस वन वनएस टू है और यहां पर मेरे एक दो तीन ये है तो जुड़ गए और जुड़ने के बाद क्या बनाया इन्होंने हीलियम बना दिया हीलियम क्या होता है टू एच ई फोर हीलियम होता है टू एच ई फोर और क्या बना दिया इन्होंने और इन्होंने बना दिया न्यूट्रॉन और यहां पर एनर्जी भी रिलीज कर दी और इन्होंने एनर्जी भी यहां पर रिलीज कर दी ओके तो यहां पर अब हम समझने की कोशिश करते हैं इस रिएक्शन में क्या हो रहा होगा इस रिएक्शन में हो रहा होगा सर वन एच टू प्लस वन एच थ्री रिएक्ट हुआ हाई टेम्परेचर हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर मैंने अरेंज करा और क्या मिला मुझे यहां पर

जो उसका न्यूक्लियस पार्ट ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट होता है तो यहां पर जब इतनी रिएक्शन हो जाएंगी नए नए न्यूक्लियस बनेंगे तो न्यूक्लियस के बनने में एनर्जी तो वेस्ट होगा सर जी एनर्जी वेस्ट होगा तो सिंपल हम ये कह सकते हैं कि यहां पर प्लस कुछ एनर्जी भी होगी और इसे क्या बोल दूंगा मैं आई विल कॉल इट द फ्यूजन एनर्जी ये एनर्जी कौन सी होगी वी यूज टू कॉल इट द फ्यूजन एनर्जी बहुत आसान है राइट इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है

कॉम्पोनेंट न्यूक्लियाई मस्ट बी ब्रॉट विद इन द डिस्टेंस ऑफ टेन टू फोर्टीन मीटर मतलब ये जो प्रोसेस आप करा रहे हैं राइट वो लगभग दस से चौदह मीटर टेन टू फोर्टीन मीटर के गैप से आप कराए राइट चलो फॉर दिस दे मस्ट बी इंपार्टेड हाई एनर्जीज टू ओवरकम द रिपल्सिव फोर्स जिससे कि उनके बीच की जो रिपल्सिव फोर्स है वो क्या हो जाए वो थोड़ा सा ओवरकम किया जा सके ऐसा क्यों है मैं समझाता हूँ आपको मान लीजिए ये ले दोनों ले हम इन दोनों को आपस में मिक्स कराते हैं तो करना कर सीधे टेन टू फोर्टीन जब हम इसको एक स्पीड देंगे इसको भी इस वाले पार्टिकल को भी इस वाले पार्टिकल को भी जब हम इनको स्पीड देंगे जब हम इसको स्पीड देंगे तो स्पीड इनके ज्यादा होने की वजह से एक दूसरे का जो अपोज है वो एकदम नहीं कर पाएंगे ये दोनों एक दूसरे का अपोज नहीं कर पाएंगे जल्दी से और रिएक्शन टेंपरेचर हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पर स्टार्ट हो जाएगा अब सुनो इसके अपोजिट में क्या करता हूं मान लीजिए मैंने एक ये वाला एलिमेंट लिया और एक ये वाला लिया दोनों मतलब दोनों पार्टिकल्स मैंने लिए अब दोनों स्लोली चल रहे अरे भाई दोनों की सेम प्रॉपर्टी है दोनों सेम है बिल्कुल दोनों आइडियल हैं तो रिपल्शन तो होगा दोनों में लड़ाई होगी और रिपल्शन जब होगा तो हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर जो आपने चैंबर में अरेंज किया होगा जिस वजह से रिएक्शन हो सकता है कि प्रॉपरली ना हो तो इसलिए इनको टेन टेन की ये जो दस से लेकर चौदह मीटर के गैप पर लगभग अरेंज किया जाता है टू तो ओवरकम द रिपल्सिव फोर्स ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है याद रखेंगे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है याद रखेंगे आपको तो इसमें थोड़ा गैप मेंटेन किया जाता है पार्टिकल्स के बीच में दिस इज पॉसिबल वेन द टेम्परेचर इज इनोमसली हाई राइट तो यहां पर क्या है दिस इज पॉसिबल वेन द टेम्परेचर इज इनोमसली हाई तो अगर टेम्परेचर आप लोग बढ़ा दोगे राइट right? तो उनका जो काटिक एनर्जी है पार्टिकल्स की वो बेटा बढ़ जाएगी कायटिक एनर्जी सीधी बात है अगर टेम्परेचर मेरा हाई है तो उनकी जो कायटिक एनर्जी होगी वो नो डाउट दैट विल गेट इंक्रीज बहुत ही आसान है नेक्स्ट द प्रिंसिपल ऑफ द हाइड्रोजन बॉम्ब इज ऑल्सो बेस्ड ऑन द न्यूक्लियर फ्यूजन हाइड्रोजन बॉम्ब राइट एटम बॉम्ब हाइड्रोजन बॉम्ब आप सब लोग जानते हैं राइट प्रिंसिपल ऑफ द हाइड्रोजन बॉम्ब इज बेस्ड ऑन द न्यूक्लियर फ्यूजन बॉम्ब हाइड्रोजन बॉम्ब को याद रखना हाइड्रोजन वर्ड इसी वजह से आता है राइट छोटे छोटे एलिमेंट जुड़कर बनते हैं नाउ द सोर्स एनर्जी ऑफ द सन एंड अदर स्टार इज न्यूक्लियर फ्यूजन देयर टू पॉसिबल साइकिल्स राइट अगर हम ये देखते हैं तो सोर्स एनर्जी है ना द सोर्स एनर्जी ऑफ द सन एंड अदर स्टार्स इज न्यूक्लियर फ्यूजन मतलब उन्हें जो प्रॉपर एक एनर्जी मतलब जो साइकिल फ्रेम होती है जो सन एंड स्टार हम ये कहते हैं भाई वहां पर रिएक्शन होती रहती है सन के अंदर वो जो हीट है वो हमारे तक पहुंच जाती है ऐसा कहा जाता है तो सन और स्टार के अंदर ये रिएक्शन होती रहती है यानी कौन से रिएक्शन होती रहती है फ्यूजन रिएक्शन होती रहती है राइट सो दे टू पॉसिबल साइकिल्स दो पॉसिबल साइकिल बनती है क्या प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल और एक बनती कार्बन साइकिल प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल दूसरी कार्बन साइकिल तो देख लेते हैं दोनों में क्या नया है पहले देखिए प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल है क्या बड़ा आसान है अभी राइट इट इज क्वाइट इजी गाइस तो यहां पर मैंने क्या किया हाइड्रोजन हाइड्रोजन लिया राइट right? तो इसमें रिएक्शन कराया तो मुझे क्या मिला यहां पर एक ये मिल गया डिटीरियम मिल गया और बीटा पार्टिकल मिल गया और यहां पर क्या है आप लोग देख सकते हैं इट इज न्यूट्रियन है मेरे पास यही पार्टिकल्स एनर्जी डिफाइन करते हैं बेटा तो इसका मतलब ये हो गया अगर मैं डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में है ना डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में एक 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 स्पेसिफिक टेम्परेचर एक स्पेसिफिक प्रेशर मैनेज करूंगा तो मुझे यहां पर ये डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल्स मिल देंगे और मुझे यहां पर एनर्जी भी मिलेगा लेकिन ये डिपेंड करता है

तो बीटा पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन की तरह ट्रीट करता है बीटा नेगेटिव उसके पॉजिटिव चार्ज की तरह ट्रीट करता है अब दूसरा देखिए मैंने टू एच और फिर से इसके ऊपर ये बुम्बार मतलब ये बन गया और फिर से रिएक्शन कंटिन्यू रही तो फिर से जब कंटिन्यू रही तो देखिए थ्री बाई टू है ना देखिए थ्री बाय टू नहीं है एक्चुअली ये थ्री ये तो बन गया मेरे पास थ्री और ये क्या बना मेरे पास टू तो इसका मतलब मास नंबर तो मेरे पास कितना है राइट थ्री और टू मेरे पास एटोमिक नंबर है राइट और यहां फिर से एनर्जी रिलीज होती है अब फिर से क्या होगा समझेगा ये बना और इसका फिर मैं इसमें अगर ये ऐड करता हूं और मैं यहां पर चेक करूंगा आप देखिए तो क्या बना टू एच फोर तो इंटरमीडिएट सिचुएशन है तो यहां पर मैं आपको डायरेक्टली जो आप लोगों ने याद किया जो डायरेक्टली आप लोगों ने याद किया आपने तो ये याद किया राइट और आपने ये याद किया लेकिन वो आया कैसे वो ऐसे आया इसलिए ये रिएक्शन हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे की जाती है तो याद रखिएगा ये ऑन एन एवरेज राइट अगर मैं इसको नेट रिजल्ट देखूं तो यहां पे देखो एक दो तीन चार एक दो तीन चार ये बन गया मेरे पास राइट तो ये मेरा पूरा फॉर्मेशन है राइट और क्या बना मेरे पास टू एच ई और दिस वन राइट मैं ये वाला जो मतलब ये तो सम है ना इज तो सम ऑफ बोथ दीस टू राइट गाइस तो मेरे पास बीटा, दो बीटा बने और ये मेरे पास दो पर्टिकुलर न्यूट्रियन बने और ये मेरे पास एनर्जी 26.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट 26.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आप लोगों को पता है 10 के पावर 6 इंटू वन पॉइंट सिक्स के पावर माइनस ऑफ नाइनटीन ऑफ राइट इट इज क्वाइट सिंपल तो प्रोटोन प्रोटोन साइकिल आपको समझ में आ गया तो यहां पर मैंने क्या करे खाली मेरे पास हाइड्रोजन के सारे के सारे सेम पर्टिकुलर आइसोट्स मैंने लिए हुए हैं राइट गाइस सो अब आगे देखते हैं क्या होगा नेक्स्ट कार्बन साइकिल यहां कार्बन ले लीजिएगा बस राइट right? यहां पर केवल आप लोग कार्बन ले लीजिएगा तो कार्बन में क्या होगा वहां तो खाली में हाइड्रोजन ले रहे थे क्यों, नदर, right? क्योंकि प्रोटोन होता है हाइड्रोजन के अंदर राइट क्योंकि वन एच वन में मेरे पास, तो कुछ होना नहीं है प्रोटोन है केवल वहां पर तो कि बन, वन एच में तो उसी तरीके से यहाँ पर क्या है मेरे पास, पास कार्बन uh, uh, तो साइकिल right? right? जो बना इससे क्या प्रोड्यूस हुआ ये देखिए ये मेरे पास बीटा पार्टिकल और प्लस ये एनर्जी बीटा पार्टिकल और एनर्जी मेरे पास यहां पर फ्रेम हुआ है अब फिर से देखिए यहां पर

राइट विच हैज ग्रेटर एफिशियं एट द हाई टेम्परेचर तो ठीक है याद रखना आपको तो प्रोटोन प्रोटोन में क्या थोड़ा लो टेम्परेचर लेकिन कार्बन में बहुत ज्यादा टेम्परेचर की मुझे जरूरत पड़ेगी एट द शूज इंटीरियर टेम्परेचर इज अबाउट टू इंटू ट्वेंटी यानी तो यहां पर जो मेरे पास रेंज है वो काफी ज्यादा है द प्रोटोन साइकिल हैज मोर चांस फॉर अक्रंस राइट तो यहां पर आपको याद रखना है कि यहां पर प्रोटोन साइकिल की जो प्रेजेंस है राइट सन के पास वो ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है टेम्परेचर तो याद रखना है तो थोड़ा लोअर है तो आप याद रखेंगे ऑफ के द साइकिल हैज मोर चांसेस फॉर अगर टेम्परेचर कम होगा टेम्परेचर कम होगा तो प्रोटोन साइकिल फॉर्मेशन होगा और अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा होगा तो मेरे पास कार्बन साइकिल की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएंगी तो अगर आपसे कोई ये बोले राइट अगर आपसे ये बोले कि जो प्रोटोन के लिए है ना तो तो अगर प्रोटोन साइकिल की बात करता हूं तो प्रोटोन साइकिल आप लोग याद रखेंगे उसके लिए चाहिए मुझे लो और अगर स्टडी है 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 ये 10 की पावर आ, 5, 6 रेंज का कम नहीं बट इट इज क्वाइट तो कार्बन साइकिल की बात करूंगा तो मुझे हाई तो ये दोनों में कंपेरेटिव तो अगर प्रोटोन साइकिल तो लो और कार्बन साइकिल तो हाई ये आप लोग याद रखेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट है सो ये मेरे पास दोनों के लिए मैंने पॉइंट बताया नाओ सो